हेलो फ्रेंड्स, आई एम मुरली फ्रॉम सिमेज कॉलेज और मेरी इस फाइल सिस्टम की वीडियो सीरीज में आज मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ NFS। अब ये NFS क्या है? लिनक्स की फाइल सिस्टम है। एंड जो मैं हर वीडियो में ये फर्स्ट स्लाइड जो आपको शो करता हूँ, जिससे आपको मैं बार बार रिकॉल कराता कि अभी हमने विंडोज पढ़ा, फिर उसके बाद अब लिनक्स, लिनक्स में हमने EXT फाइल सिस्टम को देखा, XFS को भी देख लिया, अब जो है वो हम थोड़ा NFS को समझेंगे। अब ये NFS फाइल सिस्टम, ये फाइल सिस्टम कैसा फाइल सिस्टम है? सबसे पहली चीज NFS यानी कि नेटवर्क फाइल सिस्टम। नेटवर्क फाइल सिस्टम, अभी तक जो हम फाइल सिस्टम समझ रहे थे वो स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे थे। EXT को समझा कि भाई अगर हम कोई ड्राइव क्रिएट करते हैं तो उसके ऊपर उसे फॉर्मेट करने के लिए, उसके स्टोरेज लोकेशन को एलोकेट करने के लिए, स्टोरेज को एलोकेट करने के लिए मुझे हमें जो जरूरत होगी, उसके इंडेक्सिंग कैसे होगी, उसका मेटा डेटा कैसे क्रिएट होगा, ये चीज। NFS मींस नेटवर्क फाइल सिस्टम, यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट आता है? अब ये क्या है दरअसल में, यहाँ जो कॉन्सेप्ट जनरेट होता है वो ये कि अगर किसी लिनक्स मशीन पे, या यू कह लें लिनक्स सर्वर पे जो है, अगर आपका कोई डेटा शेयर करना है तो वो जो शेयर डेटा है उसको क्लाइंट मशीन्स कैसे एक्सेस करेंगी? क्योंकि क्लाइंट मशीन को जब लिनक्स की डेटा एक्सेस करनी होगी तो लिनक्स के रूल के अकॉर्डिंग कोई भी चीज आपको अगर एक्सेस करना तो वो पहले माउंट होगी। अब अगर माउंट करना है तो वो नेटवर्क के थ्रू आने वाले डेटा को आप अपने स्टोरेज पे कैसे माउंट करेंगे, कैसे लिंक करेंगे? तो इस लिंकिंग के लिए NFS, डेटा शेयर करने के लिए NFS, ठीक है। सो यहां पे जो आपको पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, एडजस्टमेंट थोड़ा सा फाइन, ये जो फर्स्ट एक छोटा सा डेफिनेशन है कि अ नेटवर्क फाइल सिस्टम NFS अलाउज रिमोट होस्ट टू माउंट फाइल सिस्टम ओवर अ नेटवर्क एंड इंटरैक्ट विद दोज फाइल सिस्टम्स एज थ्रू दे आर माउंटेड लोकली। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए ये आपका एक NFS सर्वर है। अब इस NFS सर्वर के ऊपर आपने किसी डायरेक्टरी में कुछ डेटा रखा, डेटा का जो भी वो 2 GB, 4 GB, 10 GB, 20 GB जो आपने डेटा रखना है रखें। रखने के बाद अब इस डेटा को आपको करना है शेयर। शेयर किस लिए? क्योंकि ये NFS सर्विस जो है, जिस मशीन पे चल रही है, यानी कि ये NFS सर्वर, इस सर्वर के थ्रू डेटा पास हो, नेटवर्क से होता हुआ, ये हमारा नेटवर्क पार्ट, इस नेटवर्क पार्ट से होता हुआ, इस नेटवर्क में कुछ भी हो सकता है, नेटवर्क पब्लिक नेटवर्क भी हो सकता है, आपका प्राइवेट नेटवर्क भी हो सकता है, यानी कि लैन वैन कोई भी, इसलिए जैसे नेटवर्क के थ्रू होता हुआ जिस किसी भी क्लाइंट मशीन पे डेटा जाए तो क्लाइंट मशीन उसे एक्सेस कर ले। अब बात आती है कि इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये NFS फाइल सिस्टम को कन्फिगर करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने कन्फिगर कर दिया तो ये बन गया NFS सर्वर। अब बात आती है क्लाइंट पे जाएंगे, क्लाइंट पे भी हमें इसे कन्फिगर करना पड़ेगा। इस कन्फिगरेशन में हम क्या करते हैं, NFS के थ्रू आ रहे शेयर डेटा को अपने अपने मशीन में हम माउंट कर देते हैं, फाइन। इस तरीके से NFS जो है नेटवर्क के थ्रू डेटा की एक्सेसिंग प्रोवाइड करता है, फाइन। सो NFS इज वेरी इंपॉर्टेंट, फाइन। अब नेक्स्ट टर्न आता है कि अब हम चले जा रहा आगे। NFS डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स में है ना। अब वर्जन्स क्यों? देखिए, कोई भी प्रोटोकॉल हो, कोई भी सर्विस हो, हाँ, किसी भी तरह के इसमें डे बाई डे चेंजेस आते हैं, कुछ मॉडिफिकेशंस किए जाते हैं, कुछ एनहांसमेंट किए जाते हैं बेटर फीचर के लिए। तो बिगनिंग जो है NFS की वो वर्जन 2 से ओल्ड है, वाइडली यूज हुआ, फाइन, ये बातें आती हैं इसमें। एक मिनट, मैं थोड़ा एनोटेशन के लिए पेन ले लूं, ठीक है। NFS 2, ओके। बाद में NFS 2 में कुछ चेंजेस किए गए, NFS 2 सक्सेसफुली इंप्लीमेंट होने के बाद NFS 3 आई। NFS 3 में जो मैटर आया सबसे पहला, कि सपोर्ट्स सेफ असिंक्रोनस राइट एंड इज मोर रोबस्ट एट एरर हैंडलिंग देन NFS v2, ठीक है।
सिंक्रोनस के जगह पे आ गया असिंक्रोनस राइट्स। असिंक्रोनस राइट्स कहने का मतलब होता है कि एक होता है कि भाई सर्वर क्लाइंट के बीच में कंटिन्यूएशन में लिंकिंग होनी चाहिए, सिंपल वर्ड में मैं बोलूं तो लिंकिंग होनी चाहिए, यहाँ पे असिंक्रोनस भी होगा। ठीक है, असिंक्रोनस इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा ये जरूरत पड़ सकती है, इसमें भी एक कॉन्सेप्ट है, ये जरूरत पड़ सकती है, हो सकता है आपको फिर से सारा डेटा कॉपी करना पड़े, वो अलग इशू है, लेकिन असिंक्रोनस ट्रांसमिशन इसमें सपोर्टेड है। साथ में एरर हैंडलिंग भी है, इनकेस बीच में ब्रेक होता है तो फिर से रिट्रांसमिशन ले लिए सारे डेटा का, डेटा एक्सेस हो जाएगा। लेकिन ये रिट्रांसमिशन भी डिपेंड करता है स्टेटफुल स्टेटलेस पे, आगे मैं इसके बारे में बात करता हूँ। फाइन, दूसरा फीचर इसमें, एक तो हमने ये डिस्कस किया, अब दूसरा फीचर ये आता है कि NFS v2 इज नॉट सपोर्टेड ऑन RHEL यानी Red Hat Enterprises Linux 7। Linux 7 पे ये सपोर्टेड नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि NFS v4 जो आ गया। तो फाइन, अब हम चले NFS v4 के पास। अब v4 में ये सारी फैसिलिटीज आई, लेकिन एक कुछ बातें नहीं आई। क्या है कि NFS v2 या v3 ये सर्विस अगर आपको कॉन्फ़िगर करनी है, ये फाइल सिस्टम यूज करना है, तो वैसे कंडीशन में आपको इसको लिनक्स का जो फायरवॉल होता है, हर ऑपरेटिंग सिस्टम का फायरवॉल होता है, तो लिनक्स का जो फायरवॉल है उसके उसमें आपको इसके इंटीग्रेट कराना होगा, आरपीसी बाइंड बोलते हैं उसको, रिमोट प्रोसीजर कॉल को बाइंड करना होगा, जिससे NFS सर्वर और क्लाइंट दोनों एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट कर सके। बट NFS 4 में जो बात आई सामने कि ये फायरवॉल के थ्रू वर्क कर सकता है, इसके लिए स्पेशली आपको बाइंड करने की जरूरत नहीं है, ये वर्क कर सकता है फायरवॉल के थ्रू। फाइन, दूसरी चीज कि इसमें आया ACL का सपोर्ट। अब ACL क्या है? ACL मींस एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट हकीकत में यूटिलाइज होता है कुछ स्पेशल परमिशन के लिए, कि हमें स्पेशल कुछ परमिशन लगाना है, कुछ यू समझ लें कि एक्सेप्शनल केसेस, लाइक सारे यूजर्स को फैसिलिटी नहीं है, कुछ सिलेक्टेड यूजर्स को फैसिलिटी देनी है, सिलेक्टेड ग्रुप को फैसिलिटी देनी है, कैसे कि वही वो एक्सेस कर सकते हैं। तो ये भी सपोर्ट करता है, रिस्ट्रिक्टेड ट्रांसमिशन को सपोर्ट कर सकता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग आती है यूटिलाइज स्टेटफुल ऑपरेशन। स्टेटफुल ऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट टूल आ गया। अब स्टेटफुल ऑपरेशन में क्या है कि देखिए यहां पे दो बातें, एक स्टेटलेस और दूसरा स्टेटफुल। जब स्टेटलेस कम्युनिकेशन होता है, ये मोस्टली स्टेटलेस कम्युनिकेशन होता है यूडीपी के केस में, जब हमारा NFS यूडीपी बेस्ड वर्क करेगा, यूडीपी एंड TCP ये दो प्रोटोकॉल होते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर के। तो जब वो यूडीपी बेस्ड कम्युनिकेशन करेगा तो वो आपका स्टेटलेस होगा। उस कंडीशन में क्या होता है ना कि इन केस कम्युनिकेशन ब्रेक हुआ तो वहां पे एरर हैंडलिंग आ जाती है कि भैया कम्युनिकेशन ब्रेक हो गया, फुल डेटा ट्रांसमिशन नहीं हुआ, तो सारे डेटा फिर से रिट्रांसमिट कर, डन, एरर हैंडलिंग तो होगी। लेकिन ऐसे में क्या हो रहा है, हमारे नेटवर्क पे ज्यादा लोड हो रहा है। NFS 4 इसको क्लियर करता है, फाइन, अगर बीच में कहीं से ब्रेक हुआ तो इट्स ओके, जहां तक की डेटा आ गई थी, आगे जब फिर कनेक्शन एस्टैब्लिश होगा तो उसके आगे की डेटा आएगी। दिस इज द स्टेटफुल कंडीशन। फाइन, तो NFS के ही तीन वर्जन्स, वर्जन 2, वर्जन 3 एंड वर्जन 4। फाइन, अब एक लास्ट पॉइंट जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा तो मैंने समझा कि ठीक है इसे भी मेंशन होना चाहिए। दरअसल मैं NFS, मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि सर्वर क्लाइंट दोनों एंड पे NFS रन कर रहा है, सर्वर एंड पे भी रन कर रहा है, क्लाइंट एंड पे भी रन कर रहा है। अगर आप मेरे प्रीवियस स्लाइड को देखें तो ये सर्वर एंड पे भी है, क्लाइंट एंड पे भी है। फाइन, लेकिन अब मैटर आता है कि सर्वर और क्लाइंट जो यहाँ पे कम्युनिकेट करते हैं, ये चाहे NFS का कोई भी वर्जन हो, यहाँ पे कम्युनिकेशन इनके बीच होता है RPC के थ्रू। RPC यानी कि रिमोट प्रोसीजर कॉल। अब रिमोट प्रोसीजर कॉल में के केस जो है, इसमें सर्वर क्लाइंट के बीच में लिंक एस्टैब्लिश होना, डेटा का ट्रांसमिशन होना,
तो ये चीजें आती हैं। वैसे मोस्ट ऑफ सर्विसेज सर्वर क्लाइंट आर्किटेक्चर के बेस में आरपीसी बेस्ड होता है, यहाँ भी आरपीसी बेस्ड होता है। फाइन, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी एनएफएस के बारे में। और एनएफएस वाइडली यूज होता है लिनक्स बेस्ड सिस्टम पे। एंड एक इंटरेस्टिंग बात मैं और आपको बताऊं कि एनएफएस की सर्विस पहले सपोर्टेड नहीं थी विंडोज मशीन पे, लेकिन जब से विंडोज 7 आया, क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7 माइक्रोसॉफ्ट का, तो उसमें से एनएफएस को इंटीग्रेट कर दिया गया। तो हो सकता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में सर्वर मशीन जो डेटा शेयरिंग है वो लिनक्स मशीन के एनएफएस फाइल सिस्टम का यूटिलाइज करते हुए हो रहा है, लेकिन उस फाइल सिस्टम को विंडोज मशीन नहीं समझती है। तो उसे समझाना है, समझना है, क्योंकि क्लाइंट को हम ये बाइंड करते हैं कि भैया हमारा सर्वर लिनक्स है, तुम भी लिनक्स यूज करो, ये गड़बड़ है। क्लाइंट कैन यूज विंडोज मशीन, तो विंडोज मशीन को वो यूटिलाइज करे तो एनएफएस की सर्विस आ गई 7 के साथ। उसके बाद फर्दर है तो हम आराम से कर सकते हैं, ठीक है। सो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें एनएफएस के बारे में। एंड मेरी आप जितने भी फाइल सिस्टम से रिलेटेड वीडियोज हैं उनको आप प्रॉपरली देखें, आपको ढेर सारे इंफॉर्मेशन मिलेंगे। एंड अगर अच्छी लगी हो तो लास्ट में जैसा एज यूजुअल सारे करते हैं, मैं भी बता रहा हूँ, प्लीज लाइक करें, शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर गिविंग योर इम्पोर्टेंट टाइम, ठीक है। आई होप दिस इज फ्रूटफुल फॉर यू, यूजफुल फॉर यू। थैंक यू वेरी मच।